तो हेलो गाइस, तो कैसे हो? हमारे ललित एक्सपेरिमेंट्स हो यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है, दिल से स्वागत है भाइयों। बहुत से दिनों से जो हम बात कर रहे थे, जो व्लॉगिंग के लिए मतलब बहुत ही अच्छी वाली मतलब सेल्फ स्टिक, जिससे हमारे व्लॉग की छोटे छोटे व्लॉग बन सके, तो फाइनली मैं जो आज अमेजोन से बहुत ही अच्छी मैंने सेल्फ स्टिक प्लस ट्राईपोड मंगाया था। ट्राईपोड भी हो जाता है इसमें, ये ब्लूटूथ स्टिक है, मतलब ब्लूटूथ सिस्टम है इसमें। पूरी आप पैकेजिंग में देख सकते हो, बहुत ही मतलब गाइड पढ़ी सकते हो कैसे मतलब इसको कैसे चलाना है, कैसे फोल्ड करना है, कैसे अनफोल्ड करना है। पूरी इसमें पूरी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। बाहर बॉक्स के बाहर पे कुछ इस प्रकार डायग्राम की मदद से आपको समझाया गया है। बॉक्स आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से बॉक्स दिया जाता है हमको। बॉक्स खोलने के बाद में जो हमारे सेल्फ स्टिक है, सेल्फ स्टिक कुछ इस प्रकार की हैं, हम अंदर से मतलब बॉक्स बॉक्स के अंदर से कुछ इस प्रकार से निकली हैं जो सेल्फ स्टिक है। इसको पहले तो आप बारीकी से मतलब हर एक चीज़ को देख लो। जो इसकी कलर की बात करें तो ये आपको मैंने मतलब ब्लैक कलर में मैंने मंगवाई थी ये अमेजोन वालों से। इसके बाद में जो नीचे के जो ट्राईपोड में तीन पद लॉक दिए गए हैं, दोनों तीनों लॉक को एक साथ खोलते ही जो आपकी सेल्फ स्टिक है वो ट्राईपोड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ट्राईपोड में बदल जाएगी। हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा। बस आज की वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको हर एक चीज़ की नॉलेज जो डिटेल में अच्छे से दे पाऊंगा। सबसे पहले तो जो तीनों नुक्के हैं ना, तीनों मतलब क्लिप, इनको खोल के ट्राईपोड कुछ इस प्रकार से मतलब आपको अनफोल्ड करना है। जो ऊपर वाला मतलब स्क्रू आपको थोड़ा सा ढीला करना है, इसके बाद में पूरा आपको ट्राईपोड खोल लेना है। जैसे मैं खोल रहा हूँ ये, मतलब आपको धीरे धीरे खोलना है, नहीं तो ये जो ट्राईपोड के छोटे छोटे नुक्के होते हैं ना, ये क्लिप क्लिप टूट जाते हैं इसमें। जो इसको खोलने के बाद मैंने वापस कस दिया है इसको। अब आपको जो साइज लास्ट में बताऊंगा कितना मतलब कितना फिट होता है, कितना मतलब कितना फिट है ये, कितना बड़ा है, लंबाई चौड़ाई हर एक चीज़ बताऊंगा। पहले तो मैं आपको हर एक जो पूरे क्लिप है ना, पूरे क्लिप को खोल कर मैं अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। बाकी आप ट्राईपोड की जो चारों तरफ की जो मतलब प्लास्टिक की बात करो तो प्लास्टिक आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत मिल जाती हैं। तीनों ही जो क्लिप है ना, मतलब जिसके ऊपर ये ट्राई मतलब टिका हुआ है, तीनों मतलब जो क्या बोलते हैं पटरी के ऊपर टिका हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। मतलब ये जो पैर बोलते हैं इसको, पैर बहुत ज़्यादा टाइट हैं। मतलब जो बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ी साइज में ये ट्राईपोड मंगाया था मैंने, ये पूरा है। सबसे पहले मतलब बहुत ही अच्छी बात है जो ये पूरी सेल्फ स्टिक और ट्राईपोड दोनों बन जाते हैं। ये पूरा ट्राईपोड ही मतलब ब्लूटूथ सिस्टम है। इस ब्लूटूथ आपको 2-3 मीटर मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप फोटो वीडियो शूट कर सकते हो इसमें। कमांड देके फोटो वीडियो चालू मतलब खींच सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो इसका स्विच है ना, मतलब छोटा सा मीटर है, इसको ऑन करते ही ब्लू कलर की कुछ इस प्रकार की आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। जो ब्लू कलर की लाइट चलते ही मतलब आपको ये समझ आना कि इसका जो ब्लूटूथ सिस्टम है वो चल चुका है। अब पहले तो मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझा देता हूँ। जो छोटा सा मीटर है, इसके बाद में जो थोड़े से ऊपर चलते हैं जहाँ मोबाइल होल्डर है, जहाँ हमारा मोबाइल फिक्स होगा, वो होल्डर कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे क्लिप आपको ओपन करने हैं, आराम से करने हैं, नहीं तो टूट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। ये छोटे छोटे क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। इसको ऊपर करते ही नीचे करते ही मतलब फ़ोन आपका फिक्स हो जाएगा। इसके बाद में एक और फीचर दिया गया है इसी ट्राईपोड में, जो आपको चारों तरफ ही रोटेट करेगा, मतलब चारों तरफ आपका मोबाइल का जो डायरेक्शन है वो घूम जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से फोटो वीडियो बना पाओगे आप चारों तरफ की मतलब घुमा के एरिया से। बाकी आप जो सिनेमेटिक वीडियो है आप देख सकते हो कितनी अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा है। ब्लैक कलर का, फिर स्टील का, फिर ब्लूटूथ सिस्टम, फिर ब्लैक कलर, मतलब पूरा ही कुछ अलग ही लुकिंग देता है। जो सेल्फ स्टिक है, अगर आप मतलब जो नॉर्मल मोबाइल की दुकान पर से खरीदेगा तो आपको कम से कम 300-400 के बीच में ये मिलेगी। मुझे अमेजोन पे ये 390 रुपये की मिली थी, मतलब नॉर्मल 40-50 रुपये डिलीवरी चार्ज मार, मतलब 450 की मुझे घर पे मतलब मिल गई थी आराम से, बहुत ही अच्छी लगी है मुझे तो। अब जो इसका मीटर है, जो मतलब पूरा ब्लूटूथ सिस्टम है, वो आपको चालू करके दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले तो जो कैमरे की फिनिशिंग है, मतलब जो कैमरा भी लगा सकते हो इसमें, बुल्ट दिया गया है, मतलब ऊपर स्क्रू दिया गया है। कैमरा लगाने के बाद मतलब कैमरा तो इतना भारी हो जाएगा, पर मोबाइल तो आराम से बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में ये मतलब टिका देता है, मोबाइल को हिलने नहीं देता बिल्कुल भी, स्टेबिलिटी के साथ में मोबाइल को रखता है। बाकी अभी ब्लूटूथ से आपको फ़ोटो खींच के लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको जो इसका मीटर है छोटा सा ऑन कर लेना है, मैंने ऑन कर लिया है। ऑन करते ही आपको जो इसकी ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक मतलब ब्लिंक करना स्टार्ट करते ही,
यानी कि जो हमारा ब्लूटूथ पूरा सिस्टम है वो चालू हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से जो हमें जो मोबाइल का ब्लूटूथ होता है इसका तो चालू हो गया है, सेल्फ स्टिक का तो, वो ट्राइपॉड का तो। अब जो ब्लूटूथ डिवाइस हमको कनेक्ट करने हैं मोबाइल में, मतलब ब्लूटूथ डिवाइस हम सर्चिंग करने हैं, सबसे पहले ब्लूटूथ सिस्टम में चल जाता हूँ मैं, जो ब्लूटूथ सेटिंग है हमारा। सेटिंग में जाने के बाद में रिसर्च करना है, मतलब सर्चिंग करना है। देख ही सकते हो सेल्फ स्टिक वो ऑप्शन आ चुका है AB12, इस पर मैंने क्लिक कर दे, पेयर करते ही जुड़ जाएगा। ये पेयर कर दे मैंने, देख सकते हो भाई ये जो हमारा ब्लूटूथ सेल्फ स्टिक है वो कनेक्ट हो चुके हैं मोबाइल कैमरे से। और फाइनली जो उसका छोटा सा मीटर, इसको दबाते ही वीडियो चालू हो जाएगी आपके सामने भाई। वो आप लाइव देख ही सकते हो, ये वीडियो चालू हो चुकी है, वीडियो बंद हो चुकी है पूरी सेल्फ स्टिक से। बाकी सेल्फ स्टिक मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ख़रीद लेना। बहुत ही अच्छी सेल्फ स्टिक है मेरे हिसाब से, इस बजट में से 300 से 400 के बीच में बहुत ही अच्छी सेल्फ स्टिक, मैं इसको मतलब मानता हूँ, बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। जो बॉडी की बात कर ले तो बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतनी भी हल्की नहीं है जितनी हम सोच रहे थे पहले। मैंने पहले सोचा कि ये नॉर्मल सी मतलब ट्राईपोड होगा, पर ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। जो आप साइज़ की बात करो तो साइज़ आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा कितनी बड़ी हो जाती हैं, तो आपके सामने फ़ोटो और वीडियो दोनों ही खींच के बता दिए हैं मैंने। जो मोबाइल लगाने के बाद में ट्राईपोड बनता है, कुछ इस प्रकार से लगता है लुकिंग में, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ट्राईपोड। मतलब छोटा सा प्यारा सा ही बहुत ही बड़ा ट्राईपोड हो जाता है, जितना लग रहा है उतना उससे भी ज़्यादा हो जाता है। मैं सबसे पहले तो सबसे छोटे ट्राईपोड की आपको साइज़ दिखा रहा हूँ, सबसे छोटे ट्राईपोड की साइज़ ये हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख ही सकते हो। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ा मोबाइल ट्राईपोड जो इतना बड़ा हो जाता है, पूरी साइज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, आपके सामने देख ही सकते हो कुछ इस प्रकार की इतनी बड़ी साइज़ हो जाती है इस मोबाइल ट्राईपोड की। मतलब सेल्फ स्टिक की जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे थी ये मोबाइल ट्राईपोड सेल्फ स्टिक। बाकी ये आज की अनबॉक्सिंग इन्फॉर्मेशन, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर साइंस प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट की वीडियो डालता रहता हूँ। मतलब चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी या किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक भी करना, जाते जाते यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।